लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रिस आर्गेरिस के बारे में। आज हम शुरू करेंगे अब्राहम मैस्लो को। मैस्लो को शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मोटिवेशन क्या होता है, क्योंकि आगे जो थ्योरीज आएंगी वो बेस्ड है मोटिवेशन पे। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद देखेंगे थ्योरी क्या है। आगे बहुत सारी थ्योरी आएंगी और सब मोटिवेशनल थ्योरी है, मतलब एक तरह से बिहेवियरिज्म का ही ये पार्ट है। पहले जो सारी जो थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद बिहेवियरिज्म आया, तो ये सारे पार्ट हैं बिहेवियरिज्म के ही। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन को ये सारे थ्योरी, मतलब ये सारे थ्योरीज जो हम आगे पढ़ेंगे वो मोटिवेशन पे बेस्ड है, तो इसीलिए देखते हैं। मोटिवेशन जो वर्ड आया है ये मूवेरे से आया है, ठीक है, मूवेर या मूवेरे इससे आया है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट और एक्टिविटी, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, ये इंडिविजुअल का ड्राइव है, ठीक है। इसके अंदर एक तरह से ड्राइव प्रदान करता है इंडिविजुअल के अंदर, ताकि वो अपने डिजायर गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करें, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का ड्राइव है जो कि उसको अपने गोल की तरफ ले जाता है विथ परसिस्टेंस, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। इन तीनों के साथ इंडिविजुअल को अपने गोल के साइड ले जाता है। तो मोटिवेशन क्या है, ये इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। ये मोटिवेशन आपके अंदर ही आता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको इंटरनल प्रोसेस है, जो कि एक्टिवेट करता है आपको, इनर्जाइज करता है और गाइड करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ड्राइव करता है, ठीक है, इंडिविजुअल को किसके तरफ, अपने गोल के तरफ जाने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मोटिवेशन है वो एक तरह का क्रिटिकल फैक्टर है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो सीधे शब्दों में कहें तो मोटिवेशन क्या है कि एक तरह का ड्राइव है जो आपको डिजायर्ड गोल की तरफ ले जाता है। अब इसी मोटिवेशन पे बहुत सारे थ्योरीज बेस्ड हैं, तो उसमें अर्ली थ्योरी है और कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरी है जो कि बाद में आई है। अर्ली थ्योरी में मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हर्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी और मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई तो हमने डिस्कस कर लिया है, मैनेजरियल कॉस्मोलॉजी, फिर भी वो मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। कंटेम्पररी थ्योरी में ईआरजी थ्योरी, मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, गोल सेटिंग थ्योरी, री इन्फोर्समेंट थ्योरी, जॉब डिजाइन थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये सारी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अब्राहम मैस्लो को नीड हायरार्की थ्योरी, ये जो आइंस्टाइन की तरह दिख रहे हैं थोड़े बहुत। तो मैस्लो क्या थे, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी एक तरह का साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनके थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में। तो उसको जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये फेमस किसके लिए थे, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी करके इन्होंने एक पब्लिकेशन लिखा था, एक बुक लिखा था मोटिवेशन पे 1956 में, और उसके लिए ये फेमस है। इनका जो मोस्ट फेमस थ्योरी है वो है नीड हायरार्की थ्योरी, और इसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे। और ये थ्योरी बेस्ड है किस पे, मोटिवेशन पे बेस्ड है ये पूरी थ्योरी। तो वो क्या थे, एक पायनियर थे। पायनियर का मतलब क्या होता है कि जो शुरू करता है किसी चीज को, जो फर्स्ट स्टार्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पायनियर। जैसे टेलर वाज पायनियर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वैसे ही अगर कोई बोले कि मोटिवेशन थ्योरी का, मोटिवेशन को डील करने में पायनियर कौन है जिसने शुरुआत की थी, तो वो मैस्लो ही थे। अब इनके बाद बहुत सारे थ्योरिस्ट आएंगे, ठीक है। तो उनका बिलीव क्या था कि जो सारे बिहेवियर हैं ह्यूमन बींग के अंदर वो केवल मोटिवेशन से ही, मतलब मोटिवेशन से ही इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, लेकिन मोटिवेशन क्या है, एक मेजर फैक्टर है, एक मेजर बेसिस है बिहेवियर का। यानी कि आदमी का बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, और उस फैक्टर में बिहेवियर एक मेजर डिटर्मिनेंट, एक तरह का मेजर फैक्टर प्ले करता है उसको इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेशन को, सॉरी बिहेवियर को। मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। फिर आगे मैस्लो बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करते हैं वो किस लिए इंटर करते हैं, वो अपने नीड के फुलफिलमेंट के लिए इंटर करते हैं। यानी कि उनके अंदर बहुत सारी इनएडिकेसी होती है, बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारे डिफिसिट होते हैं, ठीक है। डिफिसिट का मतलब क्या होता है, इनएडिकेसी एंड
डेफिसिट दोनों सिनोनिम है। तो ह्यूमन बीन के अंदर ये चीजों की कमी होती है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करते हैं ताकि वो अपने इन सब चीजों जरूरतों को पूरी कर सके। ठीक है, तो इंडिविजुअल मोटिवेट कब होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ताकि वो अपने इन सब डेफिसिटों को पूरा कर सके। ठीक है, जब इन सब डेफिसिटों को ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है तो वो आदमी मोटिवेटेड रहता है। दूसरे शब्द में कहें कि जो भी इंडिविजुअल है उनके अंदर एक तरह से ड्राइव होता है, ठीक है, अपने डेफिसिट को फुलफिल करने का। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में इन सारे डेफिसिट को हम लोग बोलते हैं नीड ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और यही जो सारे डेफिसिट हैं इनको हम नीड्स बोलते हैं इंडिविजुअल का। डेफिसिट वर्ड जो है डेफिशिएंट से आया है, मतलब किसी चीज़ की कमी। तो ऑर्गेनाइजेशन में आदमी किसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए जो उसके अंदर ड्राइव होता है उसी ड्राइव को कहते हैं नीड ऑफ इंडिविजुअल। किसी काम को कराने के लिए जो ड्राइव होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, और नीड्स क्या है, जो डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो ड्राइव है इसको हम लोग बोलते हैं नीड ऑफ इंडिविजुअल। चलते हैं आगे। अब ये जो मैस्लो है, पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ पिक्चर देता हूँ। ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उसको कुछ कुछ नीड है, उसको वो फुलफिल करेगा। तो ये पांच तरह के टोटल नीड्स बताते हैं। ठीक है, अब इस नीड में वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्री पोटेंट नीड। ठीक है, तो डिक्शनरी में अगर मीनिंग देखिएगा इस पोटेंट वर्ड का, तो पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, यानी कि कुछ जो नीड है वो डोमिनेट करते हैं। अब देखेंगे इसका मतलब क्या है। मैस्लो क्या है, पांच तरह के नीड देते हैं और उनको एक हायरार्की में डालते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में डालते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले वो लोअर नीड बताते हैं। अब लोअर नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल और एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ये सब हम देखेंगे इसका डिफिनेशन आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड, उसके बाद तीसरा होता है बिलोंगिंगनेस लव नीड, चौथा होता है एस्टीम नीड, और पांचवा जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे ऊपर होता है। तो इनको ये कैटेगराइज करते हैं तीन तरीके से, लोअर नीड जिसमें फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आ गया पहला, दूसरा मिडिल में सोशल एंड सेल्फ एस्टीम नीड आ गया। ठीक है, और सबसे हायर ऑर्डर नीड में क्या आ गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया था, इसमें भी बताऊंगा क्योंकि इसमें भी है। ठीक है, तो यही है तीन तरह का नीड। लेकिन वो बोलते हैं कि जो पांच नीड है, ये पांचों नीड जो है अचानक से, मतलब एक साथ सबको सबको मोटिवेट नहीं करते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली ये किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे नीड्स की जरूरत सबको एक ही साथ नहीं होगी, एक ही साथ उसको एस्टीम, बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पांचों नीड नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो इसके लिए क्या देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं प्री पोटेंसी ऑफ नीड्स। प्री पोटेंसी का मतलब कोई एक नीड एक टाइम पे हावी रहता है। ठीक है, बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल है उसके पास मल्टीपल नीड होते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में घुसता है उसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन किसी गिवन पॉइंट पे, किसी निश्चित समय पे एक ही जो पर्टिकुलर नीड है वही प्रीडोमिनेंट रहता है, यानी कि वही ज्यादा एक तरह से डोमिनेंस रहता है उसी नीड का। ठीक है, और ये जो नीड जो प्रीडोमिनेंट रहता है इसको प्रीपोटेंट नीड कहते हैं। जो प्रीपोटेंसी वर्ड है, प्रीपोटेंसी ऑफ नीड्स, यही है। जो नीड एट ए टाइम एक ही नीड डोमिनेंट रहेगा उसी नीड को हम लोग बोलेंगे प्रीपोटेंट नीड। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये जो प्रीपोटेंट नीड है ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है एक्सक्लूजन ऑफ अदर नीड को। एक्सक्लूजन ऑफ अदर नीड का मतलब एक टाइम पे आपको एक ही नीड जो हावी रहेगा, अब जिसके चलते आप इन सारे नीड्स पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये बोलते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करता है एक्सक्लूजन ऑफ अदर नीड। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आगे समझाऊंगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नीड। जो यही नीड जो मैं बताया था, पहले तो मैं तीन कैटेगरी में कर दिया, लोअर, मिडिल और हायर, मैं क्या कर दिया वही किए, लेकिन हाँ तीन कैटेगरी में है। अब एक एक कैटेगरी में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम है बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स को मतलब ह्यूमन बीइंग का बेसिक नीड, जैसे हंगर है, थ्रस्ट है, सेक्स भी है, सेक्स भी एक बेसिक नीड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। ये रिकरेंट इन नेचर होता है, रिकरेंट इन द सेंस कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। अब हो सकता है हंगर अभी सेटिस्फाई हो तो फिर से दोपहर में भूख लग जाएगा, फिर रात को लग जाएगा, सेक्स भी उसी तरह से है। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का दो अर्थ है, एक तो लाइफ और प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी नेचुरल क्लाइमेटी से, और दूसरा है कि आपको
लाइफ में सिक्योरिटी, जैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे मान लीजिए कि एक सिक्योर जॉब या उस तरह का कुछ, दो तरह की सिक्योरिटी हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकता है। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है। दूसरा मतलब आपके पर्सनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, तो ये दूसरे तरह का नीड है। ठीक है, तो अभी अगर इंडियन सोसाइटी में देखें तो जो मेल चाइल्ड है, ठीक है, एफिनिटी फॉर मेल चाइल्ड, ये क्या है, एक तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है इंडियन सोसाइटी में। जो लोग चाहते हैं कि जो बच्चा हो वो मेल हो, तो ये क्या है, एक तरह से क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है। तीसरा है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड लव। जैसे ये सारे जो नीड फुलफिल होते जाते हैं, इनकी हायरार्की है कि पहले ये नीड फुलफिल होगा, फिर ये नीड आएगा, फिर ये तीसरा नीड आएगा, ये सिक्वेंस में चलते हैं। एक फुलफिल हो जाता है तो दूसरा सरफेस कर जाता है। तो फिजियोलॉजिकल पूरा होता है तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स आता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स आता है, पूरा होने के बाद सोशल नीड्स आता है। ठीक है, यानी नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, आदमी किसी ग्रुप से जुड़ा होना चाहता है, वो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है और ग्रुप के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आप मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं राजपूत हूँ, उस तरह का फीलिंग, तो वो क्या है, सोशल नीड है, एक बिलोंगिंगनेस का नीड। ठीक है, दूसरा है लव, गर्लफ्रेंड अफेयर, ठीक है, मैरिज, ये सब क्या है, सोशल नीड है। ठीक है, तो जैसे गांव में होता था ज्वाइंट फैमिली, तो ज्वाइंट फैमिली भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है सोशल नीड का, कम्युनिज्म। ठीक है, ये सारे सोशल नीड्स हैं। उसके बाद क्या होता है, जब सोशल नीड आपके फुलफिल हो जाएंगे तब आप जाओगे स्टीम नीड्स की तरफ। स्टीम नीड्स क्या है, एक फीलिंग है अचीवमेंट का। ठीक है, आप सोचते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, स्टेटस मिले, आपकी इज्जत हो, मान प्रतिष्ठा हो, तो ये सारे नीड्स कब, जब सोशल नीड फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद ये स्टीम नीड आता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे हायर नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो टर्म है ये कर्ट गोल्डस्टीन ने दिया है। ठीक है, ये क्या है, एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड है, जो सबसे टॉप पे है वही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि ये इसमें क्या होता है, सर्च फॉर पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। जब आदमी की जो चारों भी नीचे की नीड पूरी हो जाती है तो उसके अंदर एक तरह का एक नया नीड आता है जिसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। उसमें आदमी मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या पर्पस है और मीनिंग है, उसकी तलाश में लग जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये आदमी के वन सेल्फ के अंदर के फुलफिलमेंट के लिए एक एक तरह का नीड है, नीड ऑफ एकम्प्लिशमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिससे कि समवन डिराइव्स प्लेजर, जिसको करके उसको खुशी मिलती है। ठीक है, अब इसका लिटरल आपको एग्जांपल नहीं समझ में आता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, तो उनको साइकोलॉजिकल नीड, फूड, वाटर, सेफ्टी, सब चीज था, बिलोंगिंगनेस था, ठीक है, स्टीम नीड था, प्रेस्टीज वगैरह था, लेकिन इसके बाद वो क्या होगा, जब ये सब मिलने के बाद भी वो रॉकेट साइंस में या मिसाइल में वो लगे रहे तो क्या है, उससे वो एक तरह का प्लेजर डिराइव करते थे, उस काम को करके उनको खुशी मिलती थी, तो वो क्या है, एक तरह का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यही है जिसमें आदमी अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है। ठीक है, और क्रिएटिव एक्टिविटीज में काम करता है, उससे उसको खुशी मिलती है, तो वो क्या है, वो एक तरह का स्टेट ऑफ, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैस्लो एक कंडीशन लगाते हैं कि द फुलफिलमेंट ऑफ लोअर ऑर्डर नीड इज प्री कंडीशन फॉर हायर ऑर्डर नीड टू सरफेस। यानी कि जब तक आपका लोअर नीड फुलफिल नहीं होगा तब तक आपका हायर नीड सर ओपन में नहीं आएगा। यानी कि जब आपका रोटी कपड़ा मकान मिलने लगेगा तो आप सोचोगे कि मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जब सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगा तब आपका ये नया नीड आएगा बिलोंगिंगनेस और लव। आप चाहोगे कि मैं रिलेशनशिप में जाऊं, शादी करूं। ठीक है, अब ये सब हो जाएगा तब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, शोहरत मिलनी चाहिए, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो लास्ट में। तो ये प्री कंडीशन है कि ये नीड फुलफिल होगी तभी ये नीड आएगी, फिर ये फुलफिल होगी तभी ये नीड आएगी। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैंने जैसे कलाम का एग्जाम्पल बताया, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक उस आदमी को देखने से आपको पता चलेगा कि वो ये आदमी सेल्फ एक्चुअलाइजर है। वो कैसा होगा, वो रियलिटी सेंटर्ड होगा। ठीक है, यानी कि सुपरफिशियल थिंग से और टॉक्स में वो बिलीव नहीं करेगा, उससे वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वर्क सेंटर्ड होगा, सॉल्यूशन सेंटर्ड होगा, उसको उस आदमी को प्राइवेसी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा। उसके बाद क्या है, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू होगी, सबके बात को सुनेगा। ठीक है, कहीं हॉस्टाइल नहीं होगा, उसमें ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा और स्पॉन्टेनिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई पूछे तो तुरंत जवाब देने वाला, तो स्पॉन्टेनिटी भी उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, वो कम्युनिटी वैल्यू से ड्राइवन होंगे, कंपैशन, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। तो ये सारे क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो वही है नेक्स्ट, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो वर्ड है इसको एक पर्टिकुलर आदमी के लिए डिफाइन करना मुश्किल है।
ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अलग अलग नीड होता है। ठीक है, किसी को कुछ काम करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के महसूस होते हैं, किसी को कुछ काम करके, तो हर एक के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है अलग अलग है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं वो ज्यादातर आपको एम्बिशियस देखने को मिलेंगे, सेल्फ कंट्रोल देखने को मिलेंगे, हमेशा आपको मोटिवेटेड देखने को मिलेंगे, और वो इनटेंजिबल रिवार्ड्स के लिए देखेंगे कि वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनटेंजिबल रिवार्ड्स कहने का मतलब कि आपको अगर कोई मैकेनिक है, ठीक है, अगर उसके पास डिफिकल्ट कोई कार बनाने को आ गया और वो अगर उसको ठीक कर दे तो उसमें क्या होगा, एक उसको अजीब सी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये प्रॉपर्टी है, ऐसे लोग में ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। आगे है कि नीड हायरार्की को जो हमने था जो वर्ड उसको हमने देख लिया कि सोसाइटी में कैसा होता है, सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड हमने देखा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन में वो नीड कैसा होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग नीड हायरार्की। तो हायरार्की कहने का मतलब एक सीक्वेंस होता है, वैसे ही कि किसी के अंदर जो प्रोपोटेंसी होती है, प्रोपोटेंसी कहने का मतलब क्या है, जो नीड डोमिनेट करता है एक पे एक। ठीक है, पहले एक फुलफिल हो गया, फिर दूसरा प्रीपोटेंट नीड हो गया। ठीक है, तो ये जो नीड्स हैं एक तरह का सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सारे नीड्स, और इसी ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं नीड हायरार्की, यानी कि जो भी नीड्स हैं उस तरह उसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है, और उस सिस्टमेटिक ऑर्डर को हम लोग नीड हायरार्की बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नीड हायरार्की अब्राहम मस्लो का। अब देखते हैं इसमें जो सबसे पहला नीड फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो पहले स्टेज में हमेशा फिजियोलॉजिकल नीड्स हमेशा प्रीपोटेंट होता है, मतलब ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, पहला नीड प्रीपोटेंट नीड। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, अच्छी सैलरी हो सकती है, अलाउंस वगैरह, ये क्या है, ये प्रीपोटेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं बेसिक नीड के। तो जब ये नीड फिलफुल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड सामने आते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरे नीड हो वो प्रीपोटेंट हो जाते हैं, पहला नीड खत्म हो गया, अब ये दूसरा नीड सरफेस कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रीपोटेंट हो गया, ऐसा नहीं है कि चारों नीड नहीं है, चारों नीड हैं बाकी, लेकिन ये ज्यादा डोमिनेंस हो गया, इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या करता है, इस नीड में जैसे जॉब सिक्योरिटी का आदमी तलाश करेगा, अच्छी सैलरी का तलाश करेगा, पेंशन का तलाश करेगा, ये क्या है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये जब नीड फुलफिल हो जाते हैं तब सोशल नीड सरफेस कर जाता है। ठीक है, अब किसी किसी में बुक में आपको एक कंसेप्ट दिया होगा कि एक तरह से थर्मोस्टेट का काम करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम कर रहा है नीड फुलफिलमेंट, एक नीड फुलफिल हो गया तो वो पहला नीड क्या है, ऑफ हो जाएगा, और दूसरा नीड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक ला दिया, ये थर्मोस्टेट फिजिक्स का टॉपिक है, फिर भी बता देता हूँ कि थर्मोस्टेट क्या होता है, ये इससे कोई संबंध नहीं है, फिजिक्स का चीज है, मैं वैसे ही बताता हूँ, बुक में आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। थर्मोस्टेट में क्या होता है कि जो भी मेटल होते हैं उनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि जब मेटल मेल्ट करता है तो वो क्या होता है, वो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है या घटता है, तो दो अलग अलग मेटल होंगे तो उसका भी सरफेस एरिया अलग अलग घटेगा बढ़ेगा। तो ये थर्मोस्टेट में क्या किया जाता है कि दो डिफरेंट मेटल हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गोल्ड एल्युमिनियम को हम लोग आपस में जोड़ दिए, तो अब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि गोल्ड ज्यादा जल्दी फैले और एल्युमिनियम कम फैले, तो ये जो स्ट्रेट शेप है ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा फैल रहा है, नीचे वाला उस टेम्परेचर पे कम फैल रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ कॉन्टेक्ट दो हम लगाते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ से ले लें, ठीक है, और ये निगेटिव यहाँ से ले लें। ठीक है, तो अगर ये जैसे ही हीट होगा ये फैलने लगेगा, ये इस पे आके टच हो जाएगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगी। आप लोगों को देखिएगा फ्रिज में वही होता है, जैसे ही टेम्परेचर, या एसी में वही होता है, टेम्परेचर वहां पहुंच गया तो वैसे ही एसी बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे गर्म होगा तो फिर ये कॉन्टेक्ट यहाँ से छूट के यहाँ जुड़ जाएगा तो फिर ये चलने लगेगा, फिर हीट अप हो जाएगा तो ये कट जाएगा कॉन्टेक्ट, ये बंद हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है कि आपका एक नीड फुलफिल हो जाता है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से वो नीड का खत्म हो जाता है, वो कट ऑफ हो जाता है, आप उसके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाता, अब आप दूसरे नीड्स के लिए लग जाओगे, फिर वापस लौट जाते हैं सोशल नीड पे, यानी कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड आपको फुलफिल हो गया तो आप फिर सोशल नीड पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ आप क्या चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन में कि आपका कॉर्डियल सोशल इन्वायरमेंट हो, आपके जो कलीग्स हों वो सपोर्टिव हों। ठीक है, ये सारे नीड आपको
प्रीपोनेंट हो जाएंगे एक तरह से। अब ये सोशल नीड की फुलफिलमेंट हो गई तब आपका एस्टीम नीड सरफेस हो जाएगा और ये कट ऑफ हो जाएगा, इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं रह जाएगा। एस्टीम नीड्स के लिए फिर आप ड्राइव करोगे, आप थ्राइव करोगे कि ये हमें कैसे भी मिल जाए, इसके लिए क्या है, रिकॉग्निशन मिल, चैलेंजेस, ठीक है, स्टेटस, ठीक, तो ये लोग अवार्ड के लिए काम करेंगे फिल्म एक्टर, ठीक है, कि अब पैसा तो बहुत हो गया, अब मैं कुछ ऐसा पिक्चर करूँ जिससे अवार्ड मिले, तो वो क्या है, स्टीम नीड्स हैं। तो उसको फुलफिल, जब ये स्टीम नीड फुलफिल हो जाएंगे तब आ जाता है आदमी, जो नेक्स्ट नीड आता है, जो हायर नीड, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये सबसे इस हायरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या है, आदमी प्लेजर डिराइव करता है और सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है अपने काम को करके। ये क्या है, एक तरह से इंटरनल नीड है, यहाँ इंडिविजुअल लव, एकदम लव्स टू वर्क, यानी कि इंडिविजुअल चाहता है कि मैं कितना से ज्यादा काम करूं। वर्क इटसेल्फ एक तरह का सेटिस्फाइसिंग हो जाता है, वर्क एक सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है उस आदमी को, ठीक है। तो ये एक तरह से डिफिशियंट नीड नहीं है, जो ऊपर वाले जो चार नीड है उसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंट नीड, ठीक है। और ये जो लास्ट जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसको हम लोग ग्रोथ नीड बोलते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। ये इन एग्जॉस्टिबल है, यानी कि इसका कट ऑफ कभी होगा ही नहीं, ठीक है, और इसको कभी आपको फुलफिल करना संभव ही नहीं है। आदमी और ज्यादा तलाश करता है और इससे प्लेजर ड्राइव करता है और कोशिश करता है और इसको पाने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ इसके लिए आपका मोटिवेशन का कट ऑफ होगा ही नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि ये सारी राम कहानी का पीछे कहने का मतलब क्या है उनका, ठीक है, कि नीड्स इतने तरह के होते हैं, ये फुलफिल होता है ऐसे। इनका मेन आशय यही है कहने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी थ्योरी जाती है तो वही 3E सामने आ जाता है, इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इन्हीं चीजों के लिए काम करता है कोई भी थ्योरी दिया है अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो सभी चाहते हैं कि इफिशियंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसी के लिए सारा है। तो इस नीड को, इस नीड वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग जो हायरार्की है इसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, कर सकते हैं, उसी के लिए मैस्लो ने बोला मैनेजर्स को कि आप ये चीजें करो, ठीक है। तो बोलो कि इंडिविजुअल जो वर्क करता है उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आपको एक साइकोलॉजी पकड़नी होगी जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता करना होगा कि उनका प्रीपोर्टेंट नीड क्या है, ठीक है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए सेल्फ स्टीम हो सकता है, तो वो क्या है, स्टीम नीड्स हो सकता है, किसी के लिए सोशल नीड्स हो सकता है, तो ये क्या है, आदमी आदमी पे अंतर पड़ता है, ठीक है। तो मैनेजर का यहाँ क्या काम है कि आइडेंटिफाई करोगे इस प्रीपोर्टेंट नीड का, ठीक है, जो भी वर्कर है उसके अंदर प्रीपोर्टेंट नीड कौन सा नीड उसका डोमिनेट कर रहा है और उस पर आप काम कीजिए, ठीक है, तभी आप उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। किसी को पैसा चाहिए तो पैसा दो, किसी को इज्जत चाहिए तो उसकी बढ़ाई करो, ठीक है, वो क्या होगा, और प्रोडक्टिव होगा और मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैनेजर को बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा काम करना चाहिए ताकि उनको, उनके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से मैनेजर्स को बोल रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए, आपको ये जानकारी हो जाएगी तो इससे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैस्लो ये भी बोलते हैं कि जो लोअर ऑर्डर नीड है इसको आप इजी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो हायर ऑर्डर नीड है ये काफी डिफिकल्ट होते हैं कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, ठीक है। किसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो लोअर नीड वाले इंडिविजुअल है उनको तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, पैसा दे दो, ठीक है, सिक्योरिटी दे दो, वो सब है, लेकिन हाँ जो हायर ऑर्डर के नीड है, अब जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, तो उसको मैनेजर कहाँ से सेटिस्फाई कर पाएगा, उसको मुश्किल होता है सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड वेदर एन इंडिविजुअल विच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल एवर बी मोटिवेटेड, क्या वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सीख करने वाला आदमी कभी मोटिवेट होगा कि नहीं होगा, ये भी पता करना मुश्किल है, ठीक है, और उसके नीड को ऑर्गेनाइजेशन के नीड के साथ इंटीग्रेट कर पाना भी मुश्किल है, ठीक है। तो ये काफी डिफिकल्ट है, बाकी नीड्स को आप आसानी से कर सकते हो। तो मैनेजर के रोल को यहाँ वो बताते हैं। अब देखिए जो नीड हायरार्की है मैस्लो का वो कॉन्ट्राडिक्ट्री है, पुराने जो थॉट है उनसे कैसे ये कॉन्ट्राडिक्ट्री है। तो पुराना थॉट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टाइम के प्रिंसिपल और थॉट हैं कि इम्प्लाई के बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को आप रेशनली डिफाइन कर सकते हो, इसको एक तरह से गलत साबित करता है, ठीक है। यहाँ कोई रेशनलिटी नहीं है, यहाँ कोई आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बाई पर्सन बाई पर्सन सबके नीड अलग अलग है ना, तो वन साइज फिट ऑल यहाँ पे नहीं हो सकता ना। आप किसी को रेशनली बोल दो कि नहीं मैं
पीस रेट सिस्टम लेके आऊंगा, ठीक है। तो जरूरी है कि पीस रेट सिस्टम से, अब इसको स्टीम नीड्स चाहिए तो पीस रेट सिस्टम इसको मोटिवेट नहीं कर पाएगा ना। तो वही क्या है, प्रोडक्टिविटी जैसे पुराने सिस्टम में रेशनली डिफाइंड किया जा सकता था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और तो इसमें नहीं किया जा सकता है। यानी कि बिहेवियर को आप ओनली मनी के द्वारा मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उसके नीड्स अलग अलग हैं। तो इसके अलग अलग आपको तरीके से एक रेशनल वे में नहीं किया जा सकता। मैनेजर को पहले पता करना होगा और उस हिसाब से काम करना होगा। दूसरा कंसेप्ट जो पुराना था, इकोनॉमिक रेशनल बींग का कंसेप्ट, मैन इज मोटिवेटेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये भी कंसेप्ट को ये गलत ठहराता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मल्टी मोटिवेटेड है, ठीक है। केवल मनी और सेल्फ इंटरेस्ट से वो मोटिवेट नहीं हो सकता, बहुत सारी नीड्स हैं, उसको उस नीड से भी मोटिवेट हो सकता है, मनी से भी मोटिवेट हो सकता है। तो मोटिवेशन के मल्टीपल फेसेज हैं, जिसमें एक तरह से मोटिवेशन के लिए नीड हायरार्की भी मदद करती है। चलते हैं आगे। दूसरा है, फिर आगे है डेविएशन फॉर नीड हायरार्की। तो मास्लो बोलते हैं कि एक नया टर्म देते हैं, पीक एक्सपीरियंसेस क्या, ठीक है। पीक एक्सपीरियंसेस क्या है कि जिसमें एक एवरेज ह्यूमन बींग जो है समय समय पर उसको ये एक्सपीरियंस होता है। कैसे एक्सपीरियंस होता है, रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आप कोई अध्यात्म चले गए तो आप एक तरह से पीक एक्सपीरियंस की आपकी अनुभूति होगी, ठीक है। या स्पिरिचुअल क्वेस्ट से आपको ये एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव ब्लिसफुलनेस, आत्मिक शांति, ये सारे तरीके हैं, इनसे आपको पीक एक्सपीरियंस होगा। और वो जो पीक एक्सपीरियंस होगा वो सिमिलर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, ठीक है। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप हासिल तो नहीं कर सकते, बट आप पीक एक्सपीरियंस जरूर हासिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और पीक एक्सपीरियंस है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। पीक एक्सपीरियंस क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो एक स्टेट है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम के लिए होता है, इनफिनाइट के लिए होता है। अब जैसे पीक एक्सपीरियंस का क्या है कि मान लीजिए आप हिमालय पहाड़ पर घूमने के लिए चले गए, तो ठीक है, तो आपको एक चरम सुख, एक आत्मिक शांति होगी, वो आपका पीक एक्सपीरियंस होगा। किसी को, कोई वर्कर है, ठीक है, कोई मैकेनिक है, तो उसको कोई बढ़िया सा जिसमें जहाँ प्रॉब्लम आ गया किसी इक्विपमेंट में, उसको वो ठीक करके उसको एक क्या होता है, उस समय पीक एक्सपीरियंस आ सकता है। तो ये दोनों उस समय जो भाव रहता है, वो भाव और पीक एक्सपीरियंस का भाव और सेक्स एक्सप्लोरेशन का भाव, दोनों एक ही रहता है। लेकिन एक जो है वो दोनों को सिमिलर आप बोल सकते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जैक्टली डिफाइन एंड सेटिस्फाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। वही जो मैंने पहले बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल कर पाना मुश्किल है, बट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कंडीशन बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो इंडिविजुअल हो वो खुद से मोटिवेट हो टुवर्ड्स सीकिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सीक कर सके। अब क्यों देना चाहिए मैनेजमेंट को ऐसा माहौल, क्यों देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइज जो आदमी होगा उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेट एम क्या है आपका, प्रोडक्टिविटी ही नहीं इंक्रीज करना ना, तो इसीलिए आप माहौल दो वैसा कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो वो आदमी, ठीक है। तो अब्राहम जो मैस्लो थे, इसके लिए यूपीशियन मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉडल देते हैं। अब इसको आप लोग देखिएगा, यूपीशियन है कि क्या है, इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। यूपीशियन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि मैनेजमेंट को काम है, इस मॉडल में क्या है, मैनेजमेंट का यही काम है कि ऐसा इन्वायरमेंट दिए जहाँ आदमी खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की खुद से प्राप्ति कर सके। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि हर एक थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म होता है, तो इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे पहला क्रिटिसिज्म है कि ये जो माइकल नैश के द्वारा ये मैस्लो थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो एक तरह से इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन एक तरह से ये रॉन्ग थ्योरी है, ठीक है। हायरार्की का आप जो दे रहे हो कॉन्सेप्ट नीड के हायरार्की का, वो एक तरह से लॉजिकल तो दिखता है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बिल्कुल एक तरह से इम्पॉसिबल है, इसको नहीं किया जा सकता। इट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक देन कलेक्टिव। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल पे बेस्ड है, ठीक है। किसी का नीड कुछ दूसरा हो सकता है, किसी का नीड कुछ दूसरा हो सकता है, किसी का नीड अलग हो सकता है, तो आप एक यूनिफॉर्म वे में इस जो सिस्टम है इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस थ्योरी का अप्लीकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे कॉफर क्या बोलते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो प्रिंसिपल आपने दिया है वो वेग है, ठीक है, इसका कुछ इम्पेरिकल सपोर्ट नहीं है, कोई प्रैक्टिकल इसके पीछे आपने कुछ रिसर्च नहीं किया है, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर नीड पॉजिटिवली ट्रिगर्स द नीड ऑफ हायर, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जब
जब ये क्या बोले थे कि जब एक नीड सेटिस्फाई होगा तभी दूसरा नीड आपका रिसर्फेस करेगा। तो यहाँ कोफर क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका लोअर नीड जब सेटिस्फाई हो तभी आप हायर नीड की तरफ जाओ, ठीक है। तो कोई अगर भिखारी होगा तो ठीक है, वो भी सोचेगा कि नहीं मुझे पैसा नहीं, पहले मुझे इज्जत चाहिए, ठीक है, उसके दिमाग में आ सकता है, या कि उसी के क्या किसी के दिमाग में आ सकता है कि नहीं मुझे पैसा नहीं, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे स्टीम चाहिए, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। वही है, ठीक है, कि जरूरी नहीं कि एक नीड के बाद ही दूसरा नीड आए, ठीक है। अगला क्रिटिसिज्म क्या है कि ये वाभा एंड ब्रिवेल ये भी बोलते हैं कि कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है जहां आपको पता चल सके कि ह्यूमन नीड जो है ये पांच ही फॉर्म में दिखता है, ठीक है, ये पांच ही हायरार्की है नीड की, ठीक है। एविडेंस में ऐसा दिखता है कि केवल दो तरह के ही नीड होते हैं, ठीक है, दो फॉर्म में नीड होते हैं, एक डिफिशियंसी नीड्स और एक ग्रोथ नीड्स। डिफिशियंसी नीड क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, ये लोअर ऑर्डर का नीड होता है, और ग्रोथ नीड क्या है, क्वालिटेटिव होता है, ये हायर ऑर्डर का नीड होता है। अभी देखते हैं कि एक केस स्टडी है, ठीक है, तो एक केस स्टडी किसके द्वारा किया गया, लायर एंड सटल, ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया, इन्होंने 187 मैनेजर पे ये रिसर्च कैरी आउट किया और काफी अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन में जाके रिसर्च किया 6 महीने के लिए, ठीक है, और फिर 1 साल के लिए ये रिसर्च कैरी आउट किया और उसमें ये पता चला कि जो ह्यूमन नीड्स हैं, ठीक है, वो हायरार्की से एकदम एज पर हायरार्की ही काम नहीं करते, ठीक है। वो देखते हैं कि जैसे ये बताएं ना मैस्लो की नीड हायरार्की में आती है, पहले एक नीड हो जाए फुलफिल तो फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ये जब इन्होंने रिसर्च किया तो ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, उनका अलग अलग नीड होता है कि कुछ कैटेगरी के लोगों को केवल लोअर ऑर्डर का ही नीड चाहिए और कुछ कैटेगरी के लोग जो होते हैं केवल उनको हायर ऑर्डर का ही नीड चाहिए। मतलब एक एम्पिरिकल एविडेंस से पता चल गया और ये क्रिटिसाइज हो रहा है ना एक तरह से, यहाँ इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक के बाद ही दूसरा नीड आता है, एक गलत होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब इन्होंने रिसर्च कैरी आउट किया तो पता चला कि दो ही तरह के लोग होते हैं, ठीक है, एक तरह को हायर ऑर्डर का नीड चाहिए और एक तरह को एक एक प्रकार के जो लोग हैं उनको लोअर ऑर्डर का नीड चाहिए, केवल उनको पैसे से मतलब है, कुछ लोगों को इज्जत से मतलब है। तो ये जो आपका हायरार्की का कंसेप्ट है ये गलत है। अगला है कि जो मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया तो सही, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको कैसे अचीव किया जाए, यानी कि कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कोई आदमी पहुंचेगा, इन्होंने बताया नहीं, तो ये इतना क्रिटिसिज्म हुआ इनका। तो ये कंसेप्ट नया आप गया कि ये जस्टिफिकेशन देते हैं, कुछ कुछ बातें जो बोलते हैं इनको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो मैस्लो सबसे पहले बोलते हैं कि कहां गया पॉइंटर, कि केवल एक ही नीड प्रीडोमिनेंट हो सकता है एट ए टाइम, ठीक है, लेकिन वहां नंबर ऑफ नीड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आदमी को रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, ठीक है, और साथ में उसको पैसा भी चाहिए, साथ में उसको इज्जत भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम एक ही नीड प्रीडोमिनेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नीड प्रेजेंट नहीं है, दूसरे नीड भी प्रेजेंट है उसके साथ, ठीक है। फिर वो दूसरा जस्टिफिकेशन देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको बहुत सारे नीड होते हैं, उसके मल्टीपल नीड होते हैं किसी जॉब सिचुएशन में, ठीक है, और लेकिन उसके बिहेवियर को किसी एक ही मेजर नीड के द्वारा आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके बिहेवियर को एक ही नीड के थ्रू आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये आदमी पैसा खोजता है, ठीक है, ये आदमी ज्यादा इज्जत खोजता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसको नीड नहीं है, लेकिन जो नीड डोमिनेंट है वो उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करेगा। आगे बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल को ये पांचों नीड चाहिए, ठीक है, ये बोलते हैं कि मोस्टली जो लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो केवल सोशल नीड तक ही पहुंच पाते हैं, जबकि कुछ रहते हैं वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग सोशल नीड पे जाके ही खत्म हो जाते हैं, बहुत कम लोग, तो ये पांचों नीड सब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि जो हायरार्की है एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, जो नीड की हायरार्की, वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब ये सेपरेट सेपरेट, ठीक है, एक से जंप करके आप दूसरे पहुंच गए, फिर ये जंप करके दूसरे पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वे बोलते हैं कि इमर्जेंस ऑफ ए पार्टिकुलर नीड आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर नीड इज नॉट सडन, ठीक है, बट ए ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि एक नीड से दूसरे नीड पर पहुंचना ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है, बट ग्रेजुअली होता है। हो सकता है कि आपका ये नीड कंप्लीट हो गया हो, धीरे 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 2 महीने में आपको लगे कि हाँ अब ये मेरी जरूरत है, ऐसा नहीं कि आज मुझे गाड़ी मिल गई तो अगले दिन मुझे शौहरत चाहिए, वैसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। आगे बोलते हैं कि जो बेसिक नीड है वो सारे सोसाइटी और सारे कल्चर के लिए एक ही होते हैं, यानी कि हर एक सोसाइटी में आपको बेसिक नीड और डिजायर आपको सेम मिलेगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ये मल्टी मोटिवेटेड है, मल्टी मोटिवेटेड मतलब
कि ये केवल नीड मनी या ये नीड हायरार्की पे ही डिपेंड नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि बहुत तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट किया जा सकता है। और जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि सेटिस्फाइड नीड इज नॉट ए मोटिवेटर, जब आपका नीड कोई भी नीड सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा आगे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि रिलेशनशिप चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो आपको मिल गई, ठीक है, तो वो एक मोटिवेटर नहीं रहेगा, अब वो खत्म हो गई, ठीक है। तो अंबानी के लिए हो सकता है कि पैसा मोटिवेटर नहीं हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक मोटिवेटर हो, तो जो सेटिस्फाइड नीड है, आपका जो नीड सेटिस्फाई हो गया, वो नो मोर मोटिवेट, वो मोटिवेटर नहीं रह जाता। तो ये जो की पॉइंट इन्होंने बोले हैं वो ये रखा हुआ है, और अगर आप लोग को वीडियो स्लो लगता है तो आप 2x स्पीड पे देख सकते हो। बाकी धन्यवाद।